प्यारे विद्यार्थियों आज हम उड़ान चरण दो के अंतर्गत उड़ान कार्य पुस्तिका के अंतर्गत चिट्ठियों की अनूठी दुनिया निबंध का कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा प्यारे विद्यार्थियों मेरे चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें तथा कमेंट करें गतिविधि एक नीचे दिए गए शब्दों को उनके अर्थों के साथ उचित मिलान करना है तय तय का अर्थ गहराई होता है गुडविल का अर्थ साख होता है अनूठी का अर्थ अलग होता है अहमियत का अर्थ महत्व होता है गतिविधि दो निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखने हैं अनूठा का नायाब, अनोखा विचित्र अजीबोगरीब, पत्र खत चिट्ठी गतिविधि तीन निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए व्यहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है एक परते है परते क्या होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल दे पत्थर हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं दुनिया का समानार्थी संसार होता है आज़ादी शब्द का विलोम गुलामी होता है संधि विच्छेद करना है गतिविधि चार में विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या जमा में आलय होगा सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य जमा में उदय होगा हिमालय का संधि विच्छेद हिम जमा में आलय होगा संग्रहालय का संधि विच्छेद संग्रह जमा में आलय होगा निम्न चित्रों को ध्यान से देखें और किसी एक पर पांच वाक्य लिखने हैं तो हम महात्मा गांधी के चित्र के ऊपर पांच वाक्य लिखेंगे या पांच लाइन लिखेंगे पांच, पांच पंक्ति लिखेंगे महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया या आज़ादी की लड़ाई के लिए देशवासियों को प्रेरित किया महात्मा गांधी को देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया गतिविधि नीचे दिए गए बॉक्स में शब्दों को ध्यान से देखें और अपनी समझ के आधार पर विदेश तथा पुनरुक्त शब्द छाँट कर लिखिए गुडविल और फैक्स ये विदेशत शब्द हैं विज विदेश शब्द वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं पुनरुक्त शब्द घर घर और गांव गांव पुनरुक्त शब्द हैं पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति दोबारा हो उसे पुनरुक्त शब्द कहते हैं